ये जो भाई साहब है ना, ये इतने खतरनाक है ना, ये टी शर्टें चेंज करके आ रहे हैं ब्रो। इन्होंने करवाई है मेरे से, जैसे की अच्छी टी शर्ट डाल के अब अच्छी डाल के तो अच्छा। अभी अभी ना डे टू है, क्योंकि कल थक गए थे और आज हम इस पे बहुत तगड़ा टेस्ट करने वाले हैं। हम इस पे ढिंचे पूजा के गाना लगा के देखने वाले हैं अगर ये पीसी सरवाइव कर गया। ये सबसे खतरनाक टेस्ट है। तो अभी भाई करो सर्च डिन चक अपना पीसी बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें से कोई धुआं वुआ कुछ नहीं आया, इनकी आवाज भी नहीं आई, चल रहा है। तो अभी मजाक की बातें साइड पे, एकम भाई से पूछते हैं वो इस पीसी को, मतलब इस पीसी को बिल्ड करने का पर्पस क्या था उनका। एकम भाई, आपने ये पीसी किस पर्पस के लिए बनवाया? एक्चुअली मैं एक 3D आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे हाई एंड पीसी की नीड थी। मेरे पास इससे पहले एक लैपटॉप था जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेनोवो लीजन। उसके साथ मैंने 2 साल काम किया, उस पर 2 साल काम किया, लेकिन अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे को आउटपुट भी अच्छी निकालनी आ गई, तो उसके कारण मेरे को उसमें वो काम हो नहीं पा रहा था जो मैं करना चाह रहा था। तो तभी मैंने सोचा कि एक नया पीसी लिया जाए, और मुझे गेमिंग का शौक भी है, तो मैंने इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, गेमिंग और अपनी एडिटिंग लाइन को, तो मैंने ये पीसी रेडी करवाया। तो अभी अपने पीसी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएं। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें मैंने राइजन 3700X लगवाया है, जो राइजन 7 था, और उसके बाद हमारे पास ग्राफिक कार्ड है RTX 2060 सुपर लगा है इसमें। इसका मदरबोर्ड जो है वो MSI का MPG X570H Wi-Fi लगा है, और ये अपना ये जो कैबिनेट है ये भी MSI का है जो मैंने 5000 में बाई किया है। दैन उसके बाद हमारे पास जो रैम्स है वो कोर्सेयर की वैगनेंस लगी है, और हमारे पास SSD जो है वो उसकी XPG A-Data उसकी लगी है 250 NVMe। और ये अपना मोनीटर है सैमसंग कव गेमिंग मोनीटर है 144Hz। वैसे मैं नॉर्मल भी ले सकता था क्योंकि मुझे गेमिंग भी करनी है साथ में, एक वो भी शौक है, तो उसको उसके चलते हुए मैंने ये सैमसंग कव लिया। इसमें 95 sRGB है। sRGB वो होता है एक्चुअली जो इसके ट्रू कलर्स होते हैं, कितने परसेंट इसमें ट्रू कलर्स हैं, 100 तक आती हैं, ये 95 है। एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई काम किया, जैसे वीडियो करी या फोटो करी, और आप इस PC में देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे आपने उसको फ़ोन में डाला और वो आपको डल सी लग रही है या ओवर सेचुरेटेड लग रही है, तो आपकी मोनीटर में प्रॉब्लम है, मोनीटर्स के कलर ट्रू नहीं है, वो अच्छे नहीं है, इसलिए इनमें 95 या 99 वाली स्क्रीन जो होती है वो अच्छी होती है। इसमें रैम टोटल 32GB लगी है 16:16 की 2। अभी मेरे को ना एक चीज़ बताओ, जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स या फिर 3D आर्टिस्ट है, उनको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंप्यूटर में? एक्चुअली उनको फोकस करना चाहिए अपनी रैम पे, क्योंकि रैम जब हम 3D सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास रैम कम है तो हमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है, वो तो हमारे पास एक्चुअली हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते और हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो क्रैश हो जाते हैं। ग्राफिक कार्ड पर नहीं, ग्राफिक कार्ड हमारा तब यूज़ होता है जब हम उसे रेंडर करने जा रहे हैं, जब हमने अपने आउटपुट का रेंडर निकाला तब हमें ग्राफिक कार्ड की नीड पड़ती है। ग्राफिक कार्ड भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि अगर अच्छी हमने कुछ अच्छी चीज़ बनाई है और उसका रेंडर ही ना निकले तो क्या फ़ायदा, तो हमें उसके लिए ग्राफिक कार्ड भी स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। तो इसी के चलते मैंने RTX 2060 सुपर लगाया। हम मैं वैलोरेंट ऑन करना चाहूँगा। तो अभी जो मेरे को FPS आ रहे हैं वो 250-200 के बीच में आ रहे हैं, जो कि पुराने लैपटॉप से काफ़ी अच्छा है। पुराने वाले में 90 और 100 तक ही जा पाते थे। और एक तरह से बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आपको डायरेक्ट 100 से 250 फ्रेम मिल रहे हैं, क्योंकि खुशी का लेवल बहुत ही ऊपर तक चला जा चुका है। अभी जो हम सॉफ्टवेयर है वो यूज़र बेंचमार्क यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसके बेंचमार्क जान सकें। तो ये हमें सॉफ्टवेयर बता देगा कि अगर GPU है वो कितने परसेंट है, वो अच्छा चल रहा है, जो रैम है वो प्रोसेसर है वो सभी के बारे में बता देगा। अब ये टेस्ट करेगा, सारे कोर्स को टेस्ट करेगा, तो अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा जैसे ये कंप्लीट होगी। जब मैंने इसके बेंचमार्क टेस्ट करे थे वो गेमिंग में 105% चल रहे थे, और जो मैंने वर्कस्टेशन का था वो 108% चल रहा था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आप सबके लिए इस बजट में, ये मेरा जो मेरा इसका बजट था वो 130 था, और ये 130 में रेडी हुआ 130,000 में, और इस बजट में जो ये परफॉर्मेंस दे रहा है वो सुपर है।